हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रिक ट्रिक रिव्यू में। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं कि वो एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार खरीदेंगे या एक लैपटॉप खरीदेंगे जिससे वो वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाला गेम्स खेलेंगे अपने टीवी में, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? एक अच्छा HDMI केबल, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा केबल उन्हें लेना चाहिए, कौन सा केबल अच्छा होगा इस चीज़ के लिए, आइडियल होगा। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं आज इस केबल का अनबॉक्सिंग करूँगा जो कि है MX कंपनी का 2.1 HDMI केबल। तो ये केबल आज मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा मेरे चैनल में और इसके सारे फीचर्स बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा केबल है और मैं इस केबल को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे LG कंपनी ने रेकमेंड किया है। क्यों, आप तो जानते ही हैं कि मैंने ये डॉल्बी एटमोस वाला LG का SP11RA वाला साउंड बार रिसेंटली ख़रीदा है। तो उसको ठीक से ऑपरेट करने के लिए, ठीक से चलाने के लिए, साउंड ठीक से पास थ्रू करने के लिए LG ने मुझे ये केबल रेकमेंड किया है। तो ये इसीलिए बहुत अच्छा है और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो प्लीज़ जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। मैं आज इस केबल के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये केबल क्यों आपके लिए आइडियल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक डॉल्बी एटमोस साउंड बार लेना चाहते हैं या आपके पास एक टीवी है जिसमें 2.1 HDMI पोर्ट है जो कि EARC पोर्ट है, तो आपको एक 2.1 HDMI केबल ज़रूरी है आपको वो साउंड डिलीवर करने के लिए, क्योंकि उसका जो बैंडविथ होता है, उसका जो साउंड पासिंग रेट होता है वो 2.0 या जो नीचे वाला वर्जन होता है HDMI केबल का वो पास थ्रू नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको 2.1 वाला केबल चाहिए। लेकिन 2.1 वाला जो HDMI केबल्स होते हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या ऑफलाइन मिल जाएंगे। तो मैंने भी पहले एक ऑनलाइन यूट्यूब में ही देख के मैंने ऑनलाइन एक केबल खरीदा था जो मैंने अपने साउंड बार के साथ लगाया था, लेकिन उसमें कुछ साउंड में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मुझे बाद में पता चला, मैंने उन लोगों को बुलाया, टेक्नीशियंस वो लोग आए, देखे कि उन्होंने बताया कि HDMI केबल के थ्रू ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, 20 सेकंड बाद मेरा साउंड जो है 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जा रहा था। तो उसमें जो है डेटा ठीक से ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप 2.1 केबल खरीद लिए और आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से ब्रांड का या 0.1 केबल यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज मैं ये MX कंपनी का केबल अनबॉक्स करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। मैं आज ही इसको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे LG के टेक्नीशियंस ने मुझे रेकमेंड किया है। इसमें फीचर ये है कि 2.1 केबल है और इसमें 8K 120 FPS तक सपोर्टेड है, और बाकी जो आपको मार्केट में केबल्स मिल जाएंगे MX छोड़ के दूसरा जो कंपनीज के केबल मिल जाएंगे उसमें आपको 4K 120 FPS और 8K अप टू 60 FPS तक डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा। और उसके साथ साथ एक गोल्ड प्लेटेड केबल है जो बहुत क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं ये ऐसा बॉक्स में आता है जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है। हाँ, कीमत थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो MX कंपनी का 2.1 वर्जन HDMI केबल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 वर्जन लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम खोलेंगे कि और देखेंगे अंदर क्या है। तो ये काफ़ी प्यारा सा बॉक्स में ये चीज़ आता है, आप देख सकते हैं, देख के बहुत प्रीमियम लगता है। इसको अभी धीरे से ओपन करना होगा। तो ये रहा इसका बॉक्स, इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा केबल। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको आप ऑफलाइन मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये केबल मैंने भी ऑफलाइन में बहुत ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला। ऑफलाइन मार्केट में ये केबल अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको ऑनलाइन ही ख़रीदना होगा। मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर इसको हम रिमूव कर लेंगे।
तो ये जो यहाँ पे इसका HDMI केबल जो आप देख रहे हैं, इसका जो पोर्ट है ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड वो लोग बताते हैं, तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड केबल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।